Good morning, students. Now, in last lecture, we studied about the dog in the manger story. I have explained you well, I think so. So, we are going to see the meanings of the difficult words and the question answers for this story, okay? Now, let's start with the meanings of the difficult words. Here you can see manger. The first word is manger. मैंने आपको बताया था what is a manger. See here, long open box in a cattle shed. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था एक छोटा सा box रहता है manger के अंदर, जहाँ पे cattle shed के अंदर जहाँ पे जो प्राणी रहते हैं animals रहते हैं वहाँ पे, which contains hay for cattle. जिसके अंदर hay रहता है किसके लिए? Cattles, cattle means the animals. उसके लिए खाने के लिए चीजें रखी जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Manger. See the second, hay. What do you mean by hay? Hay means dried grass. मैंने आप लोगों को बताया था dried सूखा घास रहता है जो cattles को खाने के लिए manger में रखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Hay. Now the next word is stall. What do you mean by stall? Part of a cattle shed or stable. Stall means एक छोटा सा part जो होता है cattle shed के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Stall. Now snarl. What do you mean by snarl? Showed his teeth and made an angry noise. मतलब कि अपने दांत दिखा के गुस्सा करना या फिर दूसरे जैसी आवाज़ें निकालना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्नार्ल. आप लोग देखा होगा जब भी कुत्ते रहते हैं आपकी गलियों में कहीं पे रहते हैं, कभी कभी हम लोग बाहर निकलते हैं जैसे एकदम उनके दांत दिखते एकदम गुस्से में दिखते हैं, तो कैसी आवाज़ निकालते हैं? वैसे ही नॉइज निकालने को हम लोग क्या बोलेंगे? स्नार्ल. देन गॉट अपसेट, बिकम अनहैप्पी बिकॉज समथिंग बैड हैड हैपेंड. अपसेट मतलब कि अपसेट होना क्या होता है? कि कभी हम लोग खुश नहीं रहते हैं, ना खुश होते हैं. किस चीज़ से? क्योंकि कुछ चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से हमें दुखी हो जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? अपसेट होना. कभी कभी हम लोग के हमारे दोस्त आते हैं, हम लोग को बोलते हैं चलो हम लोग खेलने जाएंगे बाहर, आज हम लोग पार्टी करते हैं, या फिर आज चलो हम लोग किसी की बर्थडे पार्टी में जाएंगे. अगर आपका मूड नहीं रहता तो आप क्या बोलते हैं? नहीं नहीं आज मैं अपसेट हूँ तो आज मैं नहीं आऊँगा. व्हाट इवन बाय अपसेट? Being unhappy. Now, snap. What do you mean by snap? Try to bite somebody or something. Snapped का मतलब है किसी को काटने की कोशिश करना. वो कौन करता है? आप लोगों को मालूम है ये स्टोरी में हम लोग ने देखा था डॉग जो है ऑक्स की तरफ जा रहा था, किसके उसको काटने की कोशिश कर रहा था बार बार जाके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्नैप. नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज बिग्रज. ये आपके मॉडल में भी है ये वर्ड, आपको मालूम होगा मैंने बताया था आपको डोंट बिग्रज अदर्स. तो उसका मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बिग्रज? बी अनविलिंग टू गिव समथिंग और अनहैप्पी दैट समवन इज गेटिंग समथिंग. What does it mean? Be unwilling to give something. मतलब किसी को हम लोग कुछ देना नहीं चाहते हैं, और या तो फिर unhappy that someone is getting something, या फिर किसी को कुछ मिल रहा है वो हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बिग्रज होना. फिर से बिग्रज means what? Be unwilling to give something or unhappy that someone is getting something. किसी को कुछ मिल रहा है वो हमें पसंद नहीं आ रहा है. Now let's see the question answer for this. See the first question there. What is the first question? What did the ox want to do? Ox क्या करना चाहता था? The ox wanted to eat the hay that was put in the manger for him. Ox क्या करना चाहता था? He came from the field, you know it very well, and he was very upset because he wanted to eat something. He was very hungry. तो वो क्या करना चाहता था?
जो है, जो ड्राइड ग्रास वहां पे रखा हुआ था उसके मेंशन के अंदर उसी को क्या करना चाहता था, खाना चाहता था। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉग डू व्हेन द ऑक्स वेंट नियर द मेंशन। व्हाट डिड द डॉग डू, डॉग ने क्या किया जब ऑक्स को आते हुए देखा तो उसने क्या किया। सी व्हेन द ऑक्स वेंट नियर द मेंशन द डॉग स्नार्ल्ड, मतलब मैंने आप लोगों को बताया था स्नार्ल्ड मींस शोड हिज टीथ टू मेड एन एंग्री नॉइज, वो एंग्री नॉइज निकल रहा है उस समय, एंड बार्क भौंक रहा है उसके ऊपर, एंड स्नैप, स्नैप मतलब मैंने आपको बताया था वो बाइट करने जाएगा, किसी को काटने जाएगा, उसको क्या बोलेंगे स्नैप, एट ईट, एंड ही वुड नॉट अलाउ द ऑक्स टू ईट द हे। वो क्या कर रहा था, जब भी वो पास में आ रहा था उसके ऊपर भौंक रहा था और उसे काटने की कोशिश कर रहा था और तरह तरह के आवाज निकाल रहा था और उसे हे खाने नहीं दे रहा था, हे मींस ड्राइड ग्रास उसे खाने नहीं दे रहा था, यही सब क्या कर रहा था ये डॉग। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज राइट मैसेज ऑफ द स्टोरी, क्या मैसेज था देखो फिर से, द मैसेज इज दैट यू मस्ट नॉट बिग्रज अदर्स व्हाट यू डोंट एंजॉय योरसेल्फ। मैंने आपको भी पहले भी बताया था बिग्रज मींस व्हाट, बिग्रज मींस क्या होता है कि कोई एक चीज ऐसी रहती है जो हमें नहीं मिलती है, हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते तो दूसरों को भी एंजॉय करने नहीं देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बिग्रज। नाउ वी विल फाइंड द, नाउ सी एक एक्सरसाइज आपके उसमें है वो हम लोग आज करेंगे, इट इज इन वर्कबुक, दैट इज फाइंड स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स, हियर सम ऑफ द वर्ड्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन दिस। ये जो वर्ड दिया है उसमें से ही हमें कुछ वर्ड्स निकालने हैं जो मीनिंगफुल होने चाहिए, कोई भी वर्ड नहीं निकाल सकते, मीनिंगफुल होने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यू कैन सी इट इज अ हंटर, हंटर फर्स्ट फोर वर्ड यू कैन राइट हियर हंट, देन वन मोर टी यू एन ई क्यूर, थोड़ा आगे पीछे वर्ड्स रहते हैं तो उसको ले सकते हो अल्फाबेट्स, देन वन मोर यू कैन टेक हर्ट एच यू आर टी हर्ट, ऐसे और भी वर्ड्स आप बना सकते हो अगर आपको पता हो तो उसमें से ढूंढ के निकाल सकते हो। नाउ सी द सेकेंड वन थिकेट, थिकेट मीन्स फर्स्टली वी आर गोइंग टू राइट थिक, यस फर्स्ट वर्ड, देन यू कैन सी हियर एच आई टी, एच आई टी हिट, मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, अगर मीनिंगफुल नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा, देन के आई टी ई सी हियर, के आई टी ई काइट। नाउ थर्ड वर्ड इज ग्रोथ, फर्स्टली ग्रो कॉमन है जो सामने ही दिख रहा है, देन यू कैन सी रो, यू ऑल्सो यू कैन सी हियर रो, एंड वन मोर आई विल फाइंड आउट दैट इज एच ओ एन टी हॉट, देन फोर्थ वर्ड इज डिसलाइक, फर्स्टली तो सामने दिख रहा है लाइक, देन यू कैन गो फॉर एल आई डी लीड, देन एस एल आई, देन यू कैन टेक डी हियर स्लाइड, जस्ट लाइक दैट यू कैन मेक मेनी मोर वर्ड्स एंड इट द वर्ड शुड बी मीनिंगफुल, यू शुड रिमेंबर ऑल द टाइम। ओके नाउ स्टूडेंट्स we already learned all the meanings and question answers and we have done one exercise also related to this topic, you don't have to write from the video, I will give you worksheet after this video, so we will meet in next lecture, thank you so much.